हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुप्रियो। फ्रैगनेस वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एसेंशियल ऑयल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स, एसेंशियल ऑयल में, एसेंशियल ऑयल फ्रैगनेस इंडस्ट्री में किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो ये सारे विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ 12 टॉप एसेंशियल ऑयल जो फ्रैगनेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे एसेंशियल ऑयल का अलग अलग काफ़ी सारा बेनिफिट्स है, ये तो अलग है। तो फ्रैगनेस में ये जो एसेंशियल ऑयल का किस तरह से इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा फ्रैगनेस में ये एसेंशियल ऑयल यूज़ किया जाता है, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन सा एसेंशियल ऑयल किस तरह का प्रभाव गिरता है और क्या हम लोगों को बेनिफिट मिलता है एसेंशियल ऑयल से, ये सारे विषय में डिस्कस करने वाला है। तो आपके सामने ये 12 एसेंशियल ऑयल रखा हुआ है, एक बार हम लोग देख लेंगे ये 12 एसेंशियल ऑयल को, कौन कौन सा एसेंशियल ऑयल के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले एक बार देख लेंगे और फिर शुरू करेंगे इस वीडियो को। एक एक करके आप लोगों को बताएंगे कि एसेंशियल ऑयल का बेनिफिट्स और इसके यूजेस कैसे फ्रैगनेंस इंडस्ट्री में ये एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो पहला एसेंशियल ऑयल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पचौली एसेंशियल ऑयल। तो ये है पचौली एसेंशियल ऑयल, इसका कलर आप लोग देख ही सकते हैं, रेडिश कलर का है, डार्क रेडिश कलर का होता है और ये थोड़ा सा थिक होता है, नॉर्मल एसेंशियल ऑयल से। तो ये हाइड्रोडिस्टिलेशन प्रोसेस में इसको तैयार किया जाता है इस एसेंशियल ऑयल को। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है ज़्यादातर इंडोनेशिया से इंडिया में इम्पोर्ट होता है। इंडिया में भी कुछ कुछ जगह में ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्टिल होता है, जैसे आसाम में होता है कुछ जगह में, नागालैंड में भी कुछ जगह में एसेंशियल पचौली ऑयल मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस जो ये जो पचौली एसेंशियल ऑयल है, फ्रैगनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वो अगरबत्ती परफ्यूम हो या फिर फाइन फ्रैगनेंस हो या फिर आप कॉस्मेटिक्स फ्रैगनेंस हो, कोई भी फ्रैगनेंस में ज़्यादातर वुडी नोट का जो फ्रैगनेंस होता है उसमें ये पचौली एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल है। टोबैको इंडस्ट्री जो जर्दा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जाफरानी जर्दा, उसमें भी काफ़ी मात्रा में पचौली एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है वो है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो देख सकते हैं लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, तो ये वाइट कलर का होता है और लैवेंडर बोल के एक फ्लावर आता है, ये ज़्यादातर फ्रांस में ये फ्लावर होता है, तो इसी का ऑयल है। इंडिया में ये फ्लावर ज़्यादातर होता नहीं है, कहीं पे भी इंडिया में लैवेंडर फ्लावर होता नहीं है, तो इसीलिए इंडिया में ये मैन्युफैक्चर भी नहीं होता, डिस्टिलेशन भी नहीं होता, तो ज़्यादातर फ्रांस से ही इंडिया में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल आता है। तो इसका काफ़ी सारा मल्टीपल बेनिफिट्स है, क्योंकि लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है ये फ्रैगनेंस इंडस्ट्री में जैसे कि सोप मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे साबुन जो होता है बॉडी सोप, उसका जो फ्रैगनेंस होता है उसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का काफ़ी मात्रा में यूजेस होता है। ये चोल के जो टैल्क होता है, पाउडर टैल्क, उसमें भी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ होता है और रूम फ्रेशनर होता है उसमें भी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ होता है। फाइन फ्रैगनेंस और अगरबत्ती फ्रैगनेंस में भी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है। तो फ्रैगनेंस इंडस्ट्री में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का काफ़ी यूजेस है। ये छोड़ के इसका और भी काफ़ी सारा बेनिफिट्स है, जैसे हेयर एंड केयर प्रोडक्ट में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का काफ़ी यूजेस होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स जो बनता है, जो क्रीम बनता है, मैसेज क्रीम बनता है या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम बनता है, उसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है। और जैसे आप कोकोनट ऑयल ले लिए और उसके अंदर 2 to 3 drops लैवेंडर एसेंशियल ऑयल देके आप बालों में लगा लिए और 6 से 7 घंटा बाद आप शैम्पू से उस बाल को धो लीजिए, तो ऐसे करने से बालों का जो जितनी भी समस्या है, वो डैंड्रफ की समस्या हो या फिर बालों में एक अलग सी ग्रोथ और शाइनिंग आने लगेगा ये लैवेंडर एसेंशियल ऑयल से। इसीलिए काफ़ी सारा हेयर जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करता है। तो और भी काफ़ी सारे इस्तेमाल होता है, जैसे एरोमा थेरेपी में भी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का काफ़ी यूजेस होता है। आपका अगर स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन में है
वहाँ पे भी जैसे एरोमेटिक ये एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है, जो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है उसमें भी यूजेस होता है। ये छोड़ के मेडिसिन मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी अभी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल होने लगा है, तो काफ़ी काफ़ी बेनिफिट्स है, और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है लेवेंडर का, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसेंशियल ऑयल है। तो दोस्तों थर्ड जो एसेंशियल ऑयल है वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, तो ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये देखिए इसका कलर जो है ये भी वाइट कलर का होता है, तो इसका जो लीव्स है इसको स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये रोजमेरी ऑयल डिस्टिल होता है। ये भी इंडिया में नहीं होता, बाहर से इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होकर आता है। तो रोजमेरी ऑयल का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, क्योंकि जितना भी फ्लोरल जो फ्लावरी फ्लोरल टाइप का कंपाउंड होता है, वो बॉडी परफ्यूम हो, फाइन फ्रेगनेंस हो, या फिर कॉस्मेटिक्स का फ्रेगनेंस हो, या फिर अगरबत्ती फ्रेगनेंस हो, उस सारे के सारे फ्रेगनेंस में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है। तो इसका जो अगर बेनिफिट आप लोग देखने जाएंगे तो काफ़ी सारा बेनिफिट्स है इसका। ये जो एसेंशियल ऑयल है इसमें विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन D3, ये सारे विटामिन्स इसमें मिला हुआ होता है। इसीलिए अगर हेयर एंड केयर जो प्रोडक्ट है होता है, जो किसी का पकड़ लीजिए काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ रहा है या फिर गंजापन की समस्या है, तो उसमें अगर कोकोनट ऑयल के साथ या फिर कैस्टर ऑयल के साथ ये रोजमेरी ऑयल 2 to 3 drops अगर लिया जाए, लेके उसका मैसेज किया जाए हेड में, तो क्या कहता है ब्लड सर्कुलेशन को, जो सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है, और बाद में क्या होता है कि उस माने फिर से हेयर ग्रोथ होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है, मिनोक्सिडिल का सब्सिट्यूट आप बोल सकते हैं। एक मिनोक्सिडिल बोल के एक मेडिसिन आता है, जिन लोगों का बाल झड़ रहा है या फिर बाल नहीं है, वहाँ पे मिनोक्सिडिल लगाने से फिर से बाल निकल आता है, तो वो उसी का काम ये हर्बल रोजमेरी ऑयल भी करता है। तो इसीलिए हेयर एंड केयर प्रोडक्ट में रोजमेरी ऑयल का काफ़ी यूज होता है, और जैसे कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो स्किन कॉस्मेटिक्स है उसमें भी दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है स्किन का जो ग्लो ये ज़्यादा बढ़ा देता है ये एसेंशियल ऑयल, जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये छोड़ के डिप्रेशन है तो उसमें भी ये एरोमा थेरेपी में भी यूज होता है, और एरोमा डिफ्यूजर में भी अभी रोजमेरी ऑयल देखे रिलैक्स, माने आप इसका जो खुशबू अगर आपके नाकों में जाएगा तो एक रिलैक्स फील होगा। तो इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा और भी यूजेस है, मेडिसिनली यूजेस है, तो आयुर्वेदिक में यूजेस है, तो और ये छोड़ के फ्रेगनेंस में भी, तो अभी तो सारे के सारे फ्लोरल फ्रेगनेंस में यूजेस होता ही है इसका, तो बहुत ही अच्छा एक यूजेबल आइटम है ये। नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है वो है ऑरेंज ऑयल। तो ये देखिए ऑरेंज ऑयल, तो इसका जो कलर है ये ऑरेंजी कलर है, येलो कलर का, देखिए डार्क येलो ऑरेंजी कलर का है, तो ये है ऑरेंज ऑयल। तो ये जो ऑरेंज ऑयल है ये ज़्यादातर ब्राज़ील से इंडिया में इंपोर्ट होता है। इंडिया में ऑरेंज ऑयल उतना ज़्यादा नहीं बनता, कई कई जगह बनता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्टिल होता है। ज़्यादातर जो डिस्टिल होता है ये ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील से ही इंडिया में ये ऑरेंज ऑयल आता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेस है ऑरेंज ऑयल का, मेडिसिनली तो यूजेस है ही, ये छोड़ के फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में लेमोनी ऑरेंजी जो फ्लेवर लाने के लिए इसका यूजेस होता है। फ्लेवर इंडस्ट्री में, फ्लेवर जो इंडस्ट्री होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज का इस्तेमाल होता है, ऑरेंज ऑयल का, जैसे ऑरेंज का लॉजेंस या फिर ऑरेंज का चॉकलेट बनाने में, या फिर ऑरेंजी कोई आइसक्रीम बनाने में तो ऑरेंज ऑयल का इस्तेमाल होता है उसका फ्लेवर बनाने में। ये छोड़ के आपको फ्रेगनेंस में, अगर फाइन फ्रेगनेंस में ऑरेंजी नोट देना हो तब भी ऑरेंज ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑरेंज ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में, और वैसे भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है ऑरेंज ऑयल में, तो मेडिसिन में भी यूज़ होता है ऑरेंज। दोस्तों नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है वो है लेमन ऑयल। तो ये है लेमन ऑयल, ये भी लेमन ऑयल भी इंडिया में उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, इटली से आता है, तो ये इटालियन लेमन ऑयल है। तो इसका भी कलर देखिए वाइट कलर का लेमन ऑयल है, इसका जो टोन है लेमन की तरह, जो लेमन होता है नींबू होता है उसी का जो नोट है फ्लेवर है। तो ये फ्लेवर इंडस्ट्री में तो यूज़ होता ही है लेमन ऑयल, ये छोड़ के साबुन का जो इंडस्ट्री होता है, जो सोप इंडस्ट्री, उसमें भी लेमन ऑयल का यूजेस होता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लेमन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन केयर प्रोडक्ट जो जो जैसे कि कॉस्मेटिक्स जो होता है स्किन केयर पर, उसमें भी लेमन ऑयल का इस्तेमाल होता है। विटामिन सी इसमें काफ़ी मात्रा में रहता है, तो इसीलिए सीरम जो होता है वो सीरम में भी लेमन ऑयल दिया हुआ रहता है। उसमें क्या होता है कि जो स्किन सीरम जो होता है उसमें भी
दिया रहता है लेमन ऑयल का, और भी काफी सारा लेमन ऑयल का बेनिफिट्स है। फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में जो लेमन ही लोड डालने के लिए, जैसे अगरबत्ती हो या फिर बॉडी परफ्यूम हो या फिर किसी भी परफ्यूम हो, फ्रेगनेंस हो, उसमें लेमन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है वो है बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल। तो ये है बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल। तो इसका जो कलर है ये देखिए वाइट कलर का बर्गामॉट एसेंशियल है। कहीं कहीं बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल लाइट येलो कलर का भी होता है। तो ये भी इटली से इंपोर्ट होता है, इंडिया में बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल उतना बनता नहीं है, कई कई जगह बनता है कुछ कुछ जगह में, लेकिन ज़्यादातर इटली से ही बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो देखिए वाइट कलर का ये है, इसका भी जो नोट है लेमन लेमन की तरह ही लाइमी नोट है इसका, स्वीट लाइमी नोट का होता है, लेमोनी नोट का ये बर्गामॉट होता है। फाइन फ्रेगनेंस में जो बॉडी परफ्यूम का जो फ्रेगनेंस होता है, फ्रेंच परफ्यूम होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्गामॉट का यूज़ होता है। एक्वाटिक फ्रेगनेंस होता है, फ्रेश परफ्यूम, जो फ्रेश टाइप का नोट होता है जिस परफ्यूम का, उसमें बर्गामॉट का यूजेस किया जाता है। उसमें लेमन का या फिर ऑरेंज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें बर्गामॉट का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारा अगरबत्ती में भी बर्गामॉट का यूज़ किया जाता है, जो फ्रेश टाइप का डियो टाइप का जो अगरबत्ती फ्रेगनेंस होते हैं उसमें भी दिया जाता है, और भी एक्सेट्रा काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स जो फ्रेगनेंस होता है उसमें भी बर्गामॉट का यूजेस किया जाता है। ये छोड़ के स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर एंड केयर प्रोडक्ट में भी बर्गामॉट का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूजेस होता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है उसका नाम है नीरोली एसेंशियल ऑयल। तो देखिए ये नीरोली एसेंशियल ऑयल, इसका जो कलर है लाइट येलो कलर, आपको समझ में वाइट लग रहा होगा, इसका देखिए लाइट येलो कलर का ये एसेंशियल ऑयल है। तो ये नीरोली एसेंशियल ऑयल, इसका जो नोट है ये स्वीट फ्लोरल लेमोनी है, जैसे स्वीट लेमोनी फ्लोरल टाइप का एसेंशियल ऑयल है। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में कॉस्मेटिक्स आइटम में ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन सी ज़्यादा होने के कारण जो स्किन केयर प्रोडक्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है। जिन लोगों के पकड़ के चलिए दाग है या फिर स्किन में कोई टैंग गिर गया है, तो उस वहाँ पे ये लगाने से जल्दी ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है उस टैंग को, या फिर जो सन के कारण बर्न हो जाता है जो आपका स्किन, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये काफ़ी मात्रा में कॉस्मेटिक्स आइटम में इसलिए यूज़ होता है, और कॉस्मेटिक्स फ्रेगनेंस में भी नीरोली ऑयल का यूजेस है। इसका जो नोट है ये फ्लोरल टाइप का, फ्लावरी टाइप का, जैसे लेमोनी फ्लोरल टाइप का होने के कारण अगरबत्ती फ्रेगनेंस में भी या फिर बॉडी परफ्यूम के फ्रेगनेंस में भी काफ़ी मात्रा में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है उसका नाम है फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल। ये बहुत ही खास एसेंशियल ऑयल है, फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसेंशियल ऑयल है। तो इसका उसका नाम है ओलिवेनम रेजिनॉइड, तो इसी का एसेंशियल ऑयल है फ्रैंकिंसेंस। तो फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल जो है हम लोग हिंदी में लोबान बोलते हैं, लोबान, लोबान का एसेंशियल ऑयल है। आप लोग अगर लोबान फ्रेगनेंस यूज़ करते हो, जैसे कि अगरबत्ती फ्रेगनेंस में लोबान का यूज़ करते हो, तो उसमें फ्रैंकिंसेंस ऑयल देने से उसका पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो लोबान का जो आप लोग फ्रेगनेंस जो अगरबत्ती कंपाउंड यूज़ करते हो, या फिर जो मसाला अगरबत्ती बनाते हो लोबान टाइप का सा मसाला, उसमें भी अगर फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया जाए तो उसका पावर ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका खुशबू भी बहुत बेहतरीन निकल के आता है। ओलिवेनम के साथ ओलिवेनम रेजिनॉइड है, उसी का ये एसेंशियल ऑयल है, उसी एक ही चीज़ है। तो काफ़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है फ्रैंकिंसेंस, और स्किन केयर प्रोडक्ट में भी इसका काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है फ्रैंकिंसेंस का, क्योंकि ये इसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, स्किन में ये बेनिफिट देता है स्किन केयर प्रोडक्ट में, तो इसीलिए स्किन केयर प्रोडक्ट में काफ़ी, जैसे कि क्रीम, मॉइस्चराइजर क्रीम में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल के बारे में डिस्कस करने वाले वो है बेसिल ऑयल। तो ये है बेसिल ऑयल, बेसिल ऑयल मतलब तुलसी का तेल, जो तुलसी का पत्ता होता है उसका ऑयल, ये भी हाइड्रोडिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला हुआ ऑयल होता है बेसिल ऑयल। तो इसका इस्तेमाल फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे कपूर तुलसी बोल के एक कॉम्पाउंड आता है, उसमें कपूर और तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैम्फर ऑयल लिया जाता है और बेसिल ऑयल का इस्तेमाल करके कपूर तुलसी कॉम्पाउंड रेडी किया जाता है। ये छोड़ के बेसिल ऑयल जर्दा इंडस्ट्री में भी काफ़ी, जैसे जर्दा बनाने में, जर्दा इंडस्ट्री में कॉम्पाउंड बनाने में भी इस्तेमाल होता है जर्दा इंडस्ट्री में, और काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारा जो फ्रेंच परफ्यूम होता है या फिर अतर होता है, जो देसी अतर होता है, उसमें भी बेसिल ऑयल का कभी कभी मुखल्लद में यूजेस किया जाता है, उसका टोन को
तुलसी की तरह टोन देने के लिए। ये छोड़ के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में बेसिल ऑयल का काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। अगर आपका पेट का प्रॉब्लम है या शरीर में टॉक्सिक जमा हुआ है, सुबह उठ के आप बेसिल ऑयल का 4 बूंद पानी में देके, आधा कप पानी में देके आप पी लीजिए। उसके आधा घंटा बाद आप कुछ भी खाइए, तो खाली पेट में अगर लिया जाए तो शरीर का जो पूरा टॉक्सिक है वो बाहर निकल के जाता है। बहुत अच्छा एक मेडिसिनल आइटम है। मेडिसिन में काफ़ी मात्रा में बेसिल ऑयल का यूज़ होता है। च्यवनप्राश हो या फिर कोई भी मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बेसिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत अच्छा। टूथपेस्ट में भी जैसे कि होता है, आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी बेसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत इसका इस्तेमाल, काफ़ी सारा प्रोडक्ट में बेसिल ऑयल का भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है उसका नाम है क्लोव लीफ एसेंशियल ऑयल। देखिए ये क्लोव लीफ एसेंशियल ऑयल है, ये इसका जो कलर है ये भी वाइट कलर का होता है। काफ़ी सारा प्रोडक्ट में क्लोव लीफ एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल होता है। अगरबत्ती में स्पाइसेस नोट लाने के लिए क्लोव लीफ एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है। ये इस छोड़ के आपका जर्दे में, जर्दा में काफ़ी जर्दा कंपाउंड जो होता है उसमें क्लोव लीफ एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और भी काफ़ी सारा फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्लोव लीफ का काफ़ी ज़्यादा में इस्तेमाल होता है, वो टूथपेस्ट हो या फिर कोई च्यवनप्राश हो या फिर और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी सारा स्पाइसेस जिसमें इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारा स्पाइसेस में क्लोव का भी इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे कि समामा में एक क्लोवी नोट लाने के लिए भी इस तरह का, जैसे कि इंडियन अतर में तो काफ़ी इस्तेमाल है, क्लोव का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोव लीफ का या क्लोव ऑयल का। तो बहुत बहुत ही फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में क्लोव का भी एक काफ़ी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है उसका नाम है लैंगलैंग एसेंशियल ऑयल। तो ये है लैंगलैंग एसेंशियल ऑयल। तो इसका भी जो कलर है ये भी वाइट कलर का होता है और इसका फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगरबत्ती फ्रेग्रेंस में लैंगलैंग का इस्तेमाल होता है और फ्लोरल टाइप का नोट लाने के लिए, फ्लावरी फ्लोरल टाइप का, उसमें लैंगलैंग का इस्तेमाल होता है। रजनीगंधा टाइप का, मैंने रजनीगंधा का अलग अलग पार्ट होता है, काफ़ी सारा रजनीगंधा, एक स्वीट रजनीगंधा होता है, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रजनीगंधा होता है, तो उसमें भी लैंगलैंग का यूजेस किया जाता है। तो काफ़ी सारा फ्लावरी जो कंपाउंड होता है, फ्लावर टाइप, फ्लावरी नोट में, उसमें लैंगलैंग का काफ़ी मात्रा में यूजेस होता है। और बेसिकली लैंगलैंग जो है वो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट, उसमें भी काफ़ी लैंगलैंग का यूजेस किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट एसेंशियल ऑयल है उसका नाम है सिनेमन बार्क एसेंशियल ऑयल। सिनेमन एसेंशियल ऑयल मतलब कि दारचीनी का तेल। तो दारचीनी जो होता है उसका वो स्पाइसी नोट का होता है। तो देखिए इसका जो कलर है ये रेडिश कलर का आता है। दारचीनी का भी कलर इसी तरह का, देखिएगा इसी तरह का कलर आता है दारचीनी का। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दारचीनी का यूजेस होता है फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में भी, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में भी। जैसे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में अगरबत्ती कंपाउंड में जहाँ पे स्पाइसी जो कंपाउंड बनता है स्पाइसेस का, उसमें दारचीनी जैसे सिनेमन एसेंशियल ऑयल का यूजेस होता है। ये छोड़ के जो बॉडी फ्रेग्रेंस होता है थोड़ा सा, जिसमें स्पाइसी टाइप का नोट होता है बॉडी फ्रेग्रेंस में, अतर में, बॉडी अतर में, उसमें भी सिनेमन एसेंशियल ऑयल का यूजेस किया जाता है। ये छोड़ के आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में काफ़ी सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आपको दारचीनी का इस्तेमाल मिलेगा आयुर्वेदिक में, तो क्योंकि आयुर्वेदिक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, तो इसीलिए काफ़ी सारा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है उसमें दारचीनी का यूजेस होता है। इसका एक अलग ही खुशबू, दारचीनी का खुशबू मुझे भी बहुत पसंद आता है। स्पाइसेस में इसका खुशबू एक अलग ही मात्रा देता है। तो और हम लोग खाने में भी दारचीनी का काफ़ी ज़्यादा में इंडियन जो ये होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दारचीनी का यूजेस होता है काफ़ी ज़्यादा खाने में, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो में मैंने ये 12 एसेंशियल ऑयल का यूजेस और इसका परफ्यूमरी इंडस्ट्री में कैसा इसका इस्तेमाल के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताया। तो ये सारे के सारा जो एसेंशियल ऑयल है काफ़ी मात्रा में फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला एसेंशियल ऑयल है। तो अगर और भी कोई क्वेरी है आप लोगों के अंदर तो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही रहता है पूरा डिटेल्स, तो कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये एसेंशियल ऑयल चाहिए तो काफ़ी मात्रा में हम लोगों के पास अवेलेबल होता है, तो जितना भी आपको चाहिए क्वांटिटी हम लोगों को बताइए, हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छा अच्छा एसेंशियल ऑयल लाते रहेंगे और एसेंशियल ऑयल का जो यूजेस है बताते रहेंगे और फ्रेग्रेंस और अतर एरोमेटिक केमिकल का वीडियो लाते रहेंगे। तो
इसी तरह से आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है वीडियो को, क्योंकि जो लोग इस एसेंशियल ऑयल का बेनिफिट के बारे में जानना चाहता है उन लोगों को कोई हेल्प हो सकता है आप लोगों के शेयर करने की वजह से। तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आने वाले वीडियो के लिए वेट करते रहिए। नमस्ते, आज के लिए बस इतना ही।